तो जनता टीवी पर लगातार आप देख रहे हैं महा कवरेज और आज का दिन बेहद अहम हो जाता है हर देशवासी के लिए जहां जहां पर वोटिंग हो रही है। और आपसे भी अपील है कि आप लगातार अपना जो मत है वो उसका जरूर प्रयोग करें और लगातार जनता टीवी भी इस महा कवरेज में लगातार इस पर बात कर रहा है और हमारे तमाम जो संवाददाता है ग्राउंड पर मौजूद है, क्या कुछ वहां पर जायजा लिया वो सुनिए। को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, हमारे साथ अभी मौजूद है पानीपत के पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत जी, उनसे ही बातचीत करेंगे जो किस तरह के दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं पुलिस को। देखिए जैसे आपको पता है, देखिए आपको पता है कि चुनाव का माहौल है, अभी कल वोटिंग होनी है, तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है, पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उन सबको हमने ब्रीफ किया है, बूथ पे सवारी ड्यूटियां लग चुकी है, बाहर से पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी आ चुकी है, तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है, हमारी मुस्तैद तरीके से हमारी ड्यूटी करने की प्रवृत्ति रही है और आगे भी करते रहेंगे। और हमारा ये अपील है कि पीसफुल वोट हो और किसी भी तरह के व्यवधान के बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के वोटिंग पानीपत में संपन्न कराई जाए। कितने केंद्र बनाए गए हैं? देखिए 876 पोलिंग बूथ हैं यहाँ पे और 449 है वो लोकेशंस हैं, 449 लोकेशन है और सभी गांवों में बूथों में हर जगह वोट बने हुए हैं और इसमें से हमने कुछ बूथों को ऐसा माना है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती है, तो वहां पे हमने एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री के जवान हाफ सेक्शन है 4 से 5 मुलाजिम हथियारों के साथ में वहां पे उन बूथ पे वो भी रोक रहेंगे। इस तरह से ये तो बूथों की, उसके अलावा हमारे पास पेट्रोलिंग पार्टियां हैं, तो 40 पेट्रोलिंग पार्टियां हैं जो 10 से 12 मिनट के अंदर कोई भी समस्या होने पर उस बूथ पे पहुंच सकती है। उसके अलावा हमारे डीएसपी की भी ड्यूटियां लगी हुई है, उनके पास भी फोर्स है, हमारे पास रिजर्व फोर्स है, कंपनी है, नाके हमारे जो सील बॉर्डर है उसको हमने सील किया हुआ है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जैसे शराब नहीं बिकने देने के जैसे आदेश हैं चुनाव आयोग के, उनको हम एनफोर्स कराने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। सर चुनाव है, जिस तरह से जो सेंसिटिव जो बूथ रहते हैं, संवेदनशील अति संवेदनशील, कितने ऐसे बूथ हैं चिन्हित किए गए हैं, उन पर किस तरह की तैयारी रही? देखो आजकल चुनाव आयोग ने इनको सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव कहना बंद कर दिया, इनको अब क्रिटिकल बूथ बोलते हैं। हमारे टोटल अभी 56 लोकेशंस, 56 ऐसी जगह हैं जिनको हमने क्रिटिकल माना है और 151 ऐसे बूथ हैं, तो उन सब पे हमने एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री की फोर्स लगाई है जो हथियारों के साथ रहेगी और वहाँ पे पूरे टाइम वहीं पे उसी बूथ पे रह के चुनाव संपन्न कराने में सहायक रहेगी। परंतु हमारी तरफ से ऐसे पिछले 10 सालों में जो इलेक्शन हुए हैं इसमें ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुई है, यहाँ बड़े शांतिपूर्वक चुनाव रहे हैं और इस बार भी बिल्कुल शांतिपूर्वक निष्पक्ष और फेयर तरीके से चुनाव होंगे। चुनाव के दौरान किस तरह की हुड़दंगबाजी या इस तरह का कोई वाकया सामने आता है तो कोई हेल्पलाइन नंबर या पुलिस को किस तरह संपर्क? देखो किसी भी तरह की शिकायत हो तो डायल 112 पे, क्योंकि आजकल डायल 100 भी डायल 112 पे इंटीग्रेट हो चुका है, तो डायल 112 पे कॉल करो, वो हमारे कंट्रोल रूम में आती है, कंट्रोल रूम इसको पेट्रोलिंग पार्टियों को भी बताएगा, ईआरवी को भी बताएगा, एसएचओ को भी बताएगा, हमें भी बताता है, तो डायल 112 एक सबसे सरल तरीका है इसमें आपको करवाने का। उसके अलावा हमारे फ़ोन नंबर, डीएसपी के, एसएचओ के नंबर भी आप सब लोग के पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, इवन थानों के बाहर भी लिखे हुए हैं, तो वो नंबर भी हम वहाँ पे बूथ के ऊपर भी चिपका देंगे, यदि किसी को ऐसी समस्या है तो उन पर कॉल कर सकता है और हमें सूचना दे सकता है, 10 से 15 मिनट में हमारी फोर्स वहाँ पर आ जाएगी। सर मान लें कि जिस तरह से पुलिस द्वारा सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं तो आई होप कि शांतिपूर्ण ही रहने वाला है। शांतिपूर्वक ही रहना पड़ा, लोग आजकल बड़े समझदार हैं, इनको पता है कि वायलेंस करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि बाद में भुगतना भी पूरा पड़ता है, एक बार तो जोश में जो कर देता है गलती, परंतु बाद में भुगतना पूरी जिंदगी भर भी पड़ता है, तो इसलिए है, तो मेरी तो एक ही सख्त हिदायत है जितने भी जो हुड़दंग करने वाले होते हैं कि अपना वोट करो चुपचाप और अपने घर पे बैठो, इलेक्शन के दिन बाहर निकलोगे हुड़दंगबाजी करोगे तो सख्ताई भी पूरी होगी। तो ये थे हमारे साथ पानीपत पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत, जिनका कहना है कि पूरी तरह से पुलिस की तैयारियां कर ली गई हैं और सभी पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी नियुक्त कर दी गई हैं और जो भी किसी तरह की कोई हुड़दंगबाजी या कोई भी कुछ करता है तो डायल 112 के अलावा जो डीएसपी हैं और भी जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके पास सीधा संपर्क कर सकते हैं। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। आज 25 तारीख है और आज इंद्री के अंदर सभी जगह लोकसभा चुनाव को लेकर के मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सुचारू रूप से सभी जगह जो है मतदान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी संख्या में महिलाएं पुरुष वोट करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी सुबह का समय है और सुबह के समय ठंड है क्योंकि दिन में गर्मी होनी है, गर्मी की वजह से फिर लोगों को दिक्कतें आएंगी, इसलिए सुबह ही वोट करने के लिए आए हैं।
हमारे साथ यहाँ पर अनिल वर्मा जी हैं, पंडित जी हैं मंदिर के, तो उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि लोकतंत्र का यह पर्व है, तो क्या वो मैसेज देना चाहते हैं वो वोट पोल किए करके आए हैं। जी सबसे पहले तो आपके चैनल के और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज यहाँ पे वोट हो रहा है बहुत ही सभ्य तरीके से और शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है, और मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि जो मतदान आप देख रहे हैं काफ़ी समय से ना, उसकी परसेंटेज गिरती जा रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये दिन जो बड़ा महत्वपूर्ण है, 5 साल के बाद एक ही बार मिलता है, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल सकते हैं अपने मत का प्रयोग करें, और जिसको भी डालना चाहें आप वोट डालें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप मत जरूर डालें ताकि जो लोकतंत्र की एक परिभाषा है, स्वतंत्र परिभाषा है, उसको सॉलिड करने की परिभाषा है, उसमें आप भागीदारी बन सके। और अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई वृद्ध नहीं डाल सकता तो उसको भी यहाँ पे कोशिश करें कि आज लेके आए और वोट जरूर डलवाएं और जरूर डालें, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। चुनाव आयोग की तरफ से भी ये हिदायत थी, कुछ जो ज्यादा बुजुर्ग थे उनकी गरीब वोट, देखो घरों में जो वोट डली है अच्छी बात है, डलनी चाहिए जो बुजुर्ग नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी अगर कुछ बुजुर्ग रह गए हैं, महिला रह गई हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी या तो वोट डलवाई जाए या उनको किस तरह लिया जाए, जो भी इस भागीदारी कर रहे हैं चुनाव आयोग या दूसरे साथी, वो कोशिश करें उनको यहाँ पर लेके आए और वोट डालने का डलवाने का काम करें। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, सभी घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र पर्व है, ये अधिकार है सभी के पास, चाहे वोट आप किसी को भी डालें। जी पंडित जी बताएं। हाँ जी जी, ऐसा आप बोल ही रहे हैं, लोकतांत्रिक पर्व है ये, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि आकर के पोलिंग बूथ पर अपना वोट अवश्य डालें, लोकतांत्रिक पर्व है। निर्वाचन आयोग ने भी बहुत समय इसका बढ़ा दिया, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, दिन में गर्मी को देखते हुए सुबह 7 बजे से लोगों का तांता यहाँ वोट डालने के लिए लग गया, तो हमारी भी सबसे यही गुजारिश है, महिलाएं पुरुष वृद्ध जो भी हो, ज्यादा से ज्यादा अगर संख्या में अपने कसौटी पर जो उम्मीदवार खड़ा उतरे उसको वोट अवश्य डालें, ये लोकतांत्रिक पर्व है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा जरूर लें। बिल्कुल सही बात है, अधिक से अधिक वोट पाना चाहिए, लोकतंत्र पर्व है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ भी नजर आ रही है काफी संख्या में। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो इंद्री के DSP हैं वह भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी पूरा अवलोकन किया, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सुचारू रूप से जो है मतदान प्रक्रिया चल रही है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कहीं पर गड़बड़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि एक्स्ट्रा फोर्स भी रखी गई है, यदि कहीं ऐसी सूचना भी आती है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी है तो वहीं तत्काल वहां पहुंच करके स्थिति को संभाला जाएगा। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज। बिल्कुल, तो आपने सुना यहाँ पर कि किस तरीके से वोट की अपील यहाँ पर की जा रही है, और लगातार हमने अपने न्यूज रूम में भी, ये कंट्रोल रूम है और यहाँ पर लगातार किस सीट पर क्या कुछ अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है। सबसे पहले अमन, अभी सोनीपत से क्या कुछ अपडेट आपके पास? सोनीपत से अपडेट ये सामने कि बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने अपने पैतृक गाँव में मतदान किया और साथ ही इस दौरान इंडिया गठबंधन पर हमलावर नजर आए। इंडिया उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए, फिर वो जहाँ गए वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को खराब करके आए। एक मॉडल आज कांग्रेस के अंदर देखने को मिलता है, आज एक मॉडल देखने को मिलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी खराब करो, दूसरे में जाओ, दूसरी से तीसरी में जाओ, लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा, देश कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है, देश गांधी जी के उस कथन को पूरा करेगा जब उन्होंने कहा था कि आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी, इसलिए इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। तो आज इस चुनाव में वही देखने को मिलेगा, और ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह उठ सकता। सर, 2014 2019 में जिस तरह का माहौल था, 2024 में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा है, लगता नहीं थोड़ा मुश्किल है इस बार? 400 पार भी नहीं होगा, 200 पार भी नहीं होगा, ये मुश्किल है थोड़ा। ये लोग वो हैं जो मुँह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। वैसे तो ये राम के अस्तित्व कोई चुनौती देने वाले लोग हैं, तो ये आपस में भी कोई, मुझे नहीं लगता ये परिवार कोई एक साथ है, इसमें आपस में इतना खुद वो है, पार्टियों के अंदर आपस में इतनी गुटबाजी है, अनुशासनहीनता, वो रोज आप देख रहे हो, रोज तो लड़ते हैं, कभी टोहाना में लड़ते हैं, कभी कहीं लड़ते हैं, रोज लठम लट्ठा, तो ये लठतंत्र को कोई पसंद नहीं करता। देश आज संविधान के हिसाब से, बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिया है कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होना चाहिए, आपके वोट से पैदा हो, मैं समझता हूँ पूरा देश आज अपना जो प्रतिनिधि है, आज के समय का राजा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो जनसेवक है वो
अब परिवारवाद से पैदा नहीं होगा, चाहे कहीं भी हो, पूरे हरियाणा में भी परिवारवाद साफ होगा और देश में भी परिवारवाद साफ। अशोक कवर को आप यहाँ पर सुन रहे थे, बयानबाजियां खूब हो रही है, जमकर हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अभी जो अपडेट आ रही है। अमन, अपनी बात पूरी कीजिए आप जल्दी। सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली ने जहां पर बीजेपी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वहीं INLD प्रत्याशी अनूप मलिक ने भी, अनूप दहिया ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही मोहनलाल बड़ौली ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। ठीक है। अभी करनाल से क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, घरौंडा में जो है मतदान प्रक्रिया जोर पकड़ती जा रही है। बूथ नंबर 151 और 52 में लगातार लंबी लाइन देखने को मिल रही है और वेबकास्टिंग के जरिए हो चाहे तमाम प्रक्रिया के जरिए इस मतदान को सुरक्षित मतदान बनाया जा रहा है। अभी फिलहाल अम्बाला से क्या कुछ अपडेट? कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने पैतृक गांव बहादुरपुर में मतदान किया है और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की है। ठीक है, बिल्कुल, आप लोग भी जरूर मतदान करें, आपके वहाँ पे भी अगर वोटिंग हो रही है। कुरुक्षेत्र से क्या कुछ अपडेट? कुरुक्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल जो है वो अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर और वोट करने के लिए पहुंचे हैं और थोड़ी देर में वोट करेंगे। बिल्कुल दीक्षा, क्या कुछ अपडेट हिसार से? हिसार से बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला ने वोट कर दिया है, दुष्यंत चौटाला ने वोट कर दिया है, मतलब जो चौटाला फैमिली है वो वोट अपना कर चुकी है और लोगों से लगातार ये अपील कर रही है कि वो वोट करें। ठीक है, लोगों से अपडेट अभी फिलहाल हम ले लेते हैं यहाँ पर, क्या कुछ अपडेट सिरसा से? सिरसा से लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर ने पहले मतदान करने से पहले मंदिर में पूजा की है, अपने सपरिवार पूजा की है और थोड़ी देर बाद वो अपने मताधिकार का उपयोग भी करेंगे। बिल्कुल, थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल और क्या कुछ अपडेट भावना, क्या कुछ अपडेट रोहतक से? करनाल कलानौर में सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया बहुत शांति तरीके से शुरू हो रखी है और लोग भी अपना मत का प्रयोग करके नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोसली में 3 बूथों पर कुछ समय के लिए टेक्निकल इशू के कारण मतदान मशीन खराब हुई थी, लेकिन अब वो ठीक हो चुकी है जिसके बाद मतदान प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो चुकी है। ठीक है, भिवानी महेंद्रगढ़ से अपडेट आ रही है यहाँ पर। यही विधानसभा तो शाम में जो है सुबह 7 बजे जो है मतदान शुरू हो चुका है, वहीं लोग तपती धूप में आके अपना मतदान दे रहे हैं और तहसीलदार ऋतु ने यहाँ पे विधानसभा पूरे विधानसभा में दो बूथ बनाए हैं, एक पिंक बूथ और एक मॉडल बूथ, और दोनों में ही जो पिंक बूथ है उधर महिला कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है और वहाँ पे रंगोली और सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और वहीं जो है मॉडल बूथ में भी यही सब चीजें हैं। ठीक है। अनिल के पास लिए चलेंगे हमारे संवाददाता, लेकिन गुरुग्राम का अपडेट यहाँ पर ले लेते हैं। गुरुग्राम में फिलहाल क्या कुछ अपडेट? PWD मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल, उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान किया है, साथ ही साथ उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील दी है और कुछ ही देर में बीजेपी के जो प्रत्याशी है राव इंद्रजीत वो भी कुछ देर में मतदान करने पहुंच सकते हैं और कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव भी अपना मतदान करेंगे। चलिए, ये तमाम अपडेट जो है वो लगातार पल दर पल आपको हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अनिल लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं। अनिल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है मतदान केंद्र पर? आप वहां पर मौजूद है, अभी किस तरीके का उत्साह वहां पर वोटर्स में देखने को मिल रहा है? अनिल, सुबह जो 7 बजे से उससे मतदान शुरू हो गया था और लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई है, लोग जो है वोटिंग के लिए आ रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह है। बताना चाहूंगा कि 8 लाख से ऊपर जो मतदाता हैं वो अपना वोट का मत का प्रयोग करेंगे और 18,000 से ऊपर जो है वो ऐसे मतदाता है, युवा मतदाता है जो पहली बार जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर है युवाओं के अंदर भी काफी उत्साह है और युवाओं की जो है अपने बुजुर्गों और अपने बड़े जो परिजनों से है उसकी यही अपील है कि वो मत का प्रयोग करें और देश के विकास में सहयोग करें। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, लेकिन अभी फिलहाल अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो किस तरीके के वहां पर बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि सुबह से ही काफी संख्या में जो वोटर्स है वो वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि सुरक्षा को लेकर जो है पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, हर एक जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर जो है पर्याप्त सुरक्षा अधिकारी जो है तैनात किए गए हैं, इसके अलावा जो है PCR और जो 112 की जो टीमें हैं वो भी जो है शहर भर में गश्त कर रही हैं, इसके अलावा जो कैथल के जो पुलिस अधीक्षक है और जितने भी आला अधिकारी हैं वो भी लगातार जो है पल पल का जायजा ले रहे हैं, वहीं कंट्रोल रूम से जो है हर एक जो पोलिंग बूथ है उसकी भी जो है लगातार जो है वो रिपोर्ट ली जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से जो है काफी जो है पुख्ता प्रबंध गए हैं और अगर वोटिंग की बात करें तो वोटिंग के अंदर जो है लोगों के अंदर काफी उत्साह है, मेरे पीछे भी अगर आप देख रहे हैं तो काफी लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं जहां पर जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों के अंदर काफी उत्साह है क्योंकि पहली बार कुछ जो मतदाता हूँ पहली बार जो है हमारे कैमरे के सामने भी आए थे, उन्होंने अपना जो है ये खुशी जाहिर की थी कि फर्स्ट बार है जो है मत का प्रयोग करें। जी
कुल मिलाकर अनिल क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लगातार जो अपडेट्स यहाँ पर मिल रही है वो यहाँ पर ये बता रही है कि किस तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या किसी तरीके, ठीक है, रोहतक से भी कोई खबर आ रही है यहाँ पर? भावना, क्या कुछ रोहतक से खबर आ रही है? मैम, विधानसभा क्षेत्र में थोड़े टाइम पहले, करीबन एक घंटे पहले, वोटिंग मशीन खराब हो चुकी थी, लेकिन अब उस जगह पे नई वोटिंग मशीन पहुंच चुकी है जिससे मतदान की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, अनिल भी लगातार हमारे संवाददाता जो है लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पर कर रहे हैं अनिल, क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थिति यहां पर यह बनी हुई है कि वोटर्स काफी, क्योंकि गर्मी का पारा जो है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन उस बीच भी हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो वोटर्स है वो वोटिंग सेंटर में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए गर्मी का जो प्रकोप है वो काफी है, उसके बावजूद जो है मतदाताओं में काफी उत्साह है और मतदाता जो है लगातार जो है वोटिंग के लिए आ रहे हैं। कुछ मतदाता जो है व्हील चेयर के ऊपर भी आ रहे हैं, कुछ प्रशासन द्वारा जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि जो मतदान केंद्र के अंदर मतदाता पहुंच सके, लेकिन कुछ मतदाताओं का ये है कि यहाँ पर पंखे वगैरह की जो व्यवस्था है वो बाहर नहीं की गई है। हालांकि अगर मतदान केंद्र की बात करें, मतदान केंद्र के अंदर जो है पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन बाहर जो है कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा ये रोष है कि बाहर जो है प्रशासन के द्वारा कोई प्रबंध नहीं किए गए बिजली और पानी के। अनिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल सुभाष बराला ने वोट कास्ट यहां पर कर लिया है, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सुभाष बराला ने वोट कास्ट किया है, ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, पूरी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, छुपे छुपे पर पुलिस की पैनी नजर और जो तस्वीरें पोलिंग सेंटर से आ रही है वो भी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और रंजीत चौटाला आप देख सकते हैं, रंजीत चौटाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक कर तमाम जो बड़े नेता है वो भी लगातार अपने वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं और रंजीत चौटाला फिलहाल वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रंजीत चौटाला अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।